दसवीं और बारहवीं की बकाया परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रों का सैनिटाइजेशन आवश्यक है। इसमें विद्यार्थी एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली ने जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में ये बात कही। जारोली ने कहा कि जून में दसवीं और बारहवीं की शेष परीक्षाएं और परिणाम हमारी पहली प्राथमिकता फिलहाल है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के केंद्राधीक्षकों को सूचना देकर कोविड सेंटर पर बने परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन और नगर पालिका के माध्यम से सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था करें। बोर्ड विद्यार्थियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने जैसे निर्देश जारी करेंगे। प्रोफेसर जारोली ने यह भी कहा कि बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया में भी नवाचार किया है। पहले परीक्षाओं को 450 परीक्षकों को 450 उत्तर पुस्तिकाएं जांच करने के लिए दी जाती थी, लेकिन अब अधिकतम 300 कॉपीज मूल्यांकन के लिए मिलेगी, जो कि 10 दिन में इनकी जांच कर पाएंगे। आधे जिलों की हमने कल कर दी, बचे हुए जिलों की आज हुई। सारे जिलों के शिक्षा अधिकारी आए और शिक्षा अधिकारियों से हमने ये लिया कि कितने सेंटर नए बनाने पड़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। छात्रों को वहाँ उन कमरों से डिस्प्लेस होंगे, वहाँ कितने उपलब्ध स्थान है, नहीं है तो नए उपकेंद्र बनेंगे, उनकी सूचना लेने के लिए उनको बुलाएं, उनकी कठिनाइयों को सुना है और उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी जाएंगे, आंसर बुक्स भी जाएगी और उसी हिसाब से कलेक्शन होगा। उन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकारी आदेशों की पालना करते हुए हम परीक्षाएं करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सभी शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया, उस पर चर्चा कर